पब्लिक प्लेस में बेइज्जती कराऊंगी। सब देखें यहाँ पे, ये कच्चा है हॉटपॉट। अनु अगर लगन डे है रोटियां पान वाला हॉटपॉट, नहीं नहीं ये जो है चिकन है जो है कच्चा है और मुझे इसके अंदर डालना है। मजा नहीं आया यार वो खाने का। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया तो यार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो यार आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हो कि चलाकी वाली वीडियो अब आपकी कब आएगी, तो उसके लिए ना मैंने एक और चैनल बनाया, वो बहुत जल्दी मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी वो चैनल का नाम, उसको जाके आपने सब्सक्राइब करना और वहां पे हर वीडियो अपलोड हुआ करेगी चलाकी वाली। तो बस थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है उस पर, बहुत जल्दी आने वाला है सब कुछ। सही है वो क्या कहते हैं यार, पत्ती ठोक के मिठा रोक के। आज का ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या व्लॉग दिखाऊं, फिर मेरे माइंड में एकदम से क्लिक किया कि हम लोग ना बहुत देर पहले मैं और आबे हॉटपॉट खाने गए थे फर्स्ट टाइम। तो अनु अगर लगन डे है कि रोटियां पान वाला हॉटपॉट, नहीं नहीं ओ नहीं, एक हॉटपॉट हम खाते भी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा व्लॉग बनाया हुआ बड़ा अच्छा था बट मैं अपलोड नहीं किया उस टाइम, पता नहीं मेरा अजीब ही जोन चल रहा था। चलो खैर अब अपलोड कर दिया, जाके देखो फिर मुलाकात करते हैं। सही है हॉटपॉट ट्राई करने मैंने बड़ी देर से सुन रखा था, बड़े मजे मजे के उसमें खाने खा सकते हैं हम, क्या बॉयल पानी में कुछ भी बना सकते हो। मैंने ऐसे ही रैंडम लोगों की स्टोरीज देखी थी। ये मैडम जा रही है, हम दोनों ही जा रहे हैं कि हम दोनों प्रिंसेस हैं। ये आज हमने सोचा है कि हम लोग सुशी भी ट्राई करेंगे। मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं करी बट लेट्स सी, अच्छी लग रही है। कहते हैं फातिमा के नीचे कमेंट करें फातिमा प्यारी। अब फातिमा जो दो करेगी मैं आपको एक एक करके कहूंगी। फातिमा अपनी बेल्ट पहन रही है, फातिमा ने बाल ठीक करी, फातिमा बाय गाइस अपना मिरर नीचे करो और मेरे फटे हुए बाल हॉट पॉट। टोटली पागल हो चुकी है, उधर बुटीक में जा रही है, बुटीक में जा रही है जो कि बंद है। तो हमारा एंट्री का जो ये व्यू है, व्यू इनका काफी अच्छा और कूल लग रहा है। हम ऐसे बात करते हैं यार आज जो, रुको रुको यहाँ पर एक स्नैपचैट भेज देते हैं फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड। चलो यार मेन्यू पढ़ो इनका, ऑर्डर क्या करना है पहले मुझे इनका मेन्यू वेन्यू पढ़ ले। इनके रेट्स अच्छे ही होंगे। हॉट पॉट शट अप। अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं सब, और सारी चीजें होती हैं, इन सबको हमें मिलाकर बनाकर खुद से एक हॉट पॉट बनाना पड़ता है और फिर खुद से खाना पड़ता है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमारा प्लान चेंज हो गया। पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकतें करोगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। रुको नीचे उतरो, नीचे उतरो। पेंडू गर्ल दिन हॉटपॉट ले, पेंडू गर्ल दिन हॉटपॉट। आप आता है तो मेरी यहाँ पे सरासर तोहीन कर रही हूँ लोगों के सामने। पब्लिक प्लेस पे ये हरकतें, अब हम बाहर बैठ रहे हैं, हमें अंदर की जगह ना थोड़ी 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 सफोकेशन हो रही थी। सो बाहर की लोकेशन बहुत अच्छी है यार, यहाँ पे कहीं पे पिक्चर ले लेते हैं। इधर ले देती हूँ पिक्चर्स, ले देती हूँ सफर। ये वाली अच्छी है जगह, मैम हम वहाँ पे शूट करने जा रहे हैं, हमें वहाँ पर ना थोड़ी लोकेशन। वो ब्लॉगर लगती है तो खाना खाने नहीं शूट करने आती है। ये सही है, वो टिकटॉकर्स। हाँ हम लोग टिकटॉकर्स हैं, हम खाना खाने नहीं। पब्लिक प्लेस में बेइज्जती कराऊंगी। यहाँ पे खड़े हो ये वाला हम उधर रख रहे हैं ताकि हम जो है अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर सके। हाँ। हमने दीवार पे हमने दीवार के ऊपर वो वाला कैमरा रख दिया है, यहाँ से अपनी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। ये देखें गाइस ये लोकेशन काफी अच्छी आ रही है। इधर खड़ी हूँ, तुम्हारी बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है। के नीचे अब जल चुकी है आग और ये सारा सामान है इसमें, ये सूप में हम बनाएंगे और सूप में ही हम ये सब खाएंगे। ओए उबल रहा है। हाँ उबल रहा है। ये सब देखें यहाँ पे, ये कच्चा है, ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको अब पकाएंगे मिक्स करेंगे फिर दिखाऊंगी। शेफ फातिमा इज हियर। ये जो है चिकन है जो है कच्चा है और मुझे इसके अंदर डालना है। सारा डालूंगी, अब इसको मिक्स भी करना है। हाँ इसके अलावा ये प्रॉन्स है, ये भी कच्चे ही है, इनको भी हम अंदर डाल रहे हैं। और कॉर्न्स भी, कॉर्न्स भी डालेंगे सारे। और मशरूम्स भी, एक सेकेंड। और ये मशरूम्स ये भी डाल दो, गोभी भी डाल। इससे अच्छा घर में खाना बनाना, न्यू एक्सपीरियंस है यार। चल बेटा डाल अंदर, मैं खाना पका रही हूँ। अब हमने ये सब डाल दिया, तो उन्होंने हमें सिखाया था ये सब के बाद अब आप इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखना, 7-8 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। ये चेक करने आया है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें तो सही से पकाना आता नहीं है। पक गया? नहीं, ये थोड़ी हमें ऐसे वाइब आ रही है जैसे हम घर में कुकिंग कर रहे हैं। अभी सिर्फ उन्होंने अंदर से सूप निकाल कर हमें दिया है और बाकी सब कुछ इसमें पक रहा है। इट्स लाइक हम घर में और खाना पका रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है। तुम जैसे बार बार खोल के चेक कर रही हो ना, कच्चा रह जाएगा अंदर से। मम्मा खाना कब तक बनेगा?
बहुत भूख लग रही है, खाना अगले अगर आप बहुत हंग्री हैं, आपको बहुत भूख लग रहा है, कुक हो रहा है तो उसके बाहर पानी आ रहा है क्योंकि अंदर ज्यादा ही बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है। आई डोंट नो ये भी प्रॉपर कुक हुआ है कि नहीं, ये इसका पता क्या हिसाब है बताओ, ये बनने के लिए रख दिया। चलो घर चलते हैं, कल आएंगे। खुद ही आई ऊपर तो हमें यहाँ के मैनेजर ने ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिश और उन्होंने हमें दिया। राबिया को फ्री अब कोई चीज़ मिल रही है तो राबिया का चेहरे के तासुरात ही बदल गए हैं। अब टाइम आ गया है सर्व करने का। ये बताओ क्या लग रहा है, ढोकला? व्हाट इज ढोकला? मजे का लग रहा है। फ्लेम वो लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसका काम खत्म है। कुछ टाइम किचन में भी गुजार लेती, इससे अब तुम्हें काम आता। खुद तो तुम बड़ा से किचन बताती हूँ इससे खाने का तरीका। मुझे इससे आता है खाना, जिंदगी का मजा खाने में। आधे से ज्यादा खाना हमने पैक करवा लिया था बिकॉज हमसे खाया नहीं जा रहा था और अब फाइनली बिल आ चुका है तो बिल इज लाइक 8,000 कुछ। सो गाइस फाइनली अब जाने का टाइम हो गया है। इसका रिव्यू ये बहुत अच्छा था लेकिन मैं अभी नहीं कह रही, थोड़ा सा जैसे कहते ना मतलब चस नहीं आई खाना खाने की, बाकी अदरवाइज गुड, बट कहते ना चस वाला। मैं बैठी बैठी घर आई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मजा नहीं आया यार वो खाने का। तो यार ये था व्लॉग, पता नहीं आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करो, हर चीज छोटी छोटी डिटेल मुझे बताया करो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे मैं अच्छा रट्टा मार लेती हूँ यार, मतलब समझ रहे हो ना। लव यू।